जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है जिससे वो काफी थक जाता है। तभी मौका पाते ही मैग्नोलिया पीटर के सिर में एक नुकीली पिन से वार कर देती है जिससे पीटर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मैग्नोलिया पीटर की बॉडी को अपने गाड़ी की डिग्गी में रख लेती है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है। पीटर अपनी गाड़ी से एक आदमी को लेकर कहीं जा रहा होता है, पर तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। फिर दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगता है जिसे मैग्नोलिया नाम की लड़की चला रही होती है। वो पीटर के हाथ में गन देखकर हैरान होती है। तभी पीटर मैग्नोलिया को एक सुनसान जगह पर गाड़ी ले चलने के लिए कहता है। ये सुनकर मैग्नोलिया अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। इसके बाद पीटर मैग्नोलिया के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है जिससे वो काफी थक जाता है। तभी मौका पाते ही मैग्नोलिया पीटर के सिर में एक नुकीली पिन से वार कर देती है जिससे पीटर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मैग्नोलिया पीटर की बॉडी को अपने गाड़ी की डिग्गी में रख लेती है और यहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद मैग्नोलिया आंटी ली के घर पहुंचती है जहां आंटी ली मैग्नोलिया से कहती है कि तुम्हें घर आने में इतना देर क्यों लग गया। इस पर मैग्नोलिया उन्हें बताती है कि आज रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया था जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसकी वजह से उसने उस आदमी को मार दिया और अपनी गाड़ी में ले आई है। ये सुनकर आंटी काफी खुश होती है। दरअसल ये एक कैनिबल फैमिली थी जो लोगों को मार कर उनका मांस खाती थी और दूसरों को भी खिलाती थी। खैर अब आंटी ली अपने भाई लैरी से कहती है कि तुम उस लाश को ठिकाने लगा दो। ये सुनकर लैरी उस लाश को बेसमेंट में फेंक देता है। अगले दिन आंटी ली अपनी बेटी फोन के जरिए उन मीट की डिलीवरी करने के लिए भेजती है, जहां होटल का ओनर मीट को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ये मीट उसके होटल में काफी ज्यादा सेल हो रहा था। अब मीट डिलीवरी करने के बाद फोन अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बॉब नाम का एक आदमी मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। फोन उसको लिफ्ट दे देती है। तभी बॉब फोन को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है जिससे फोन उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। अब बॉब उससे काफी इम्प्रेस हो चुका था इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसके घर चला जाता है। घर आने के बाद फोन और बॉब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बॉब को फोन के घर पर लगी पेंटिंग से बदबू आने लगती है जैसे कि वो किसी इंसान के चमड़ी से बनाई गई हो। ये देखकर फोन उसका ध्यान हटाने के लिए उसे स्टोर रूम में वाइन की बोतल लाने के लिए भेजती है। फिर जब बॉब वाइन लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है तो फोन उस स्टोर रूम का डोर बंद कर देती है। तभी फोन एक बटन प्रेस करती है जिससे उस रूम से एक ब्लेड निकलकर बॉब का गला काट देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि आंटी और उसकी सभी बेटियों ने मिलकर इस घर में ट्रैप लगाया हुआ है ताकि ये लोग नए लोगों को फंसा कर उन्हें मार सके। अब फोन बॉब के कटे हुए सिर और बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है ताकि आंटी उसका मीट बना सके। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम कोल होता है। कोल को रास्ते में कोरल नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उसी आंटी की तीसरी बेटी होती है। कोरल ऑफिसर कोल से कहती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है इसीलिए वो उसे घर तक पिकअप कर दे। ये सुनकर ऑफिसर कोरल को उसके घर ले जाने लगता है। अब घर आने पर आंटी ऑफिसर कोल का वेलकम करती है और उसे डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। तभी आंटी उस ऑफिसर को मीट का एक पीस खिलाती है जिससे वो ऑफिसर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि उसने इससे अच्छा मीट आज तक नहीं खाया। इस पर आंटी उसे बताती है कि ये उसका एक सीक्रेट रेसिपी है जिसे कोई भी नहीं बना सकता। वहीं आंटी के पास उसकी एक और बेटी पैत्रा बैठी होती है जो ऑफिसर कोल को थैंक यू बोलती है क्योंकि कोल ने उसकी बहन कोरल को लिफ्ट देकर घर तक लाया था। अब ऑफिसर यहां से चला जाता है। तभी पैत्रा और कोरल के बीच बहस हो जाती है कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। फिर कुछ देर बाद आंटी उनके पास आकर उन्हें समझाती है कि तुम दोनों ही काफी सुंदर हो और तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। उधर ऑफिसर जब वहां से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में आंटी का भाई लैरी मिलता है। तभी कोल के पूछने पर लैरी उसे बताता है कि वो कोरल की कार को ठीक करने के लिए जा रहा है। ये सुनकर ऑफिसर उसे कोरल की कार को ठीक करने के लिए लिफ्ट देता है। इधर आंटी कोरल और पैत्रा को शिकार करने के लिए भेजती है। दरअसल आंटी की बहुत सारी बेटियां होती हैं जो अलग अलग जगह जाकर लोगों का शिकार करती हैं और फिर आंटी उन लोगों के मांस का मीट पीसेस बनाकर होटल में सेल करती थी। इसके बाद आंटी मैग्नोलिया को डिनर बनाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी दोनों बहनें शिकार करने के लिए गई हुई थी। अब हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो बॉब की तलाश कर रहा होता है क्योंकि बॉब के पेरेंट्स बॉब के अचानक से गायब होने से काफी परेशान थे और उन्होंने बॉब को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव को रखा था। डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर कोल से मिलता है और उन्हें बॉब की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताता है। कोल बॉब की फोटो देखकर उससे कहता है कि उसने बॉब को कहीं नहीं देखा है। इधर लैरी कोरल की गाड़ी के टायर को ठीक करके यहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मैग्नोलिया कुछ सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है जहाँ उसे डिटेक्टिव दिखाई देता है। फिर जब डिटेक्टिव मैग्नोलिया को देखता है तो वो उसका पीछा करते हुए स्टोर के अंदर जाता है क्योंकि वो पहले भी मैग्नोलिया
मैग्नोलिया से मिल चुका था। स्टोर के अंदर मैग्नोलिया डिटेक्टिव को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है, पर डिटेक्टिव उससे कहता है कि मैं बॉब को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ जो पिछले कुछ दिनों से गायब है, और मैं बाद में तुम्हारे घर चलूंगा। ये सुनकर मैग्नोलिया यहाँ से अपने घर जाने लगती है। उधर पैत्रा और कोरल लोगों को फंसाने के लिए उन्हें ढूंढ रही होती है। तभी उन्हें चार म्यूजिशियन दिखाई देते हैं जिन्हें ये अपना शिकार बनाने का प्लान करती है। तभी ये दोनों उनकी गाड़ी के टायर पर शूट करके उसे पंक्चर कर देती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब वो लोग किसी तरह अपनी गाड़ी वहीं पर रोकते हैं और काफी हैरान होते हैं कि वो लोग इस जंगल में किससे हेल्प मांगेंगे। तभी इनके पास कोरल और पैत्रा आ जाती हैं, जो इनसे कहती हैं कि उनका घर पास में ही है, इसीलिए वो लोग आज रात वहीं पर रह सकते हैं। अब कोरल और पैत्रा की सुंदरता देखकर ये चारों फ्रेंड्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके घर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। घर आने के बाद आंटी इनका वेलकम करती है। तभी आंटी इनके सामने एक फेक कॉल करती है। फिर इन चारों के पूछने पर आंटी इन्हें बताती है कि वो एक मैकेनिक को कॉल कर रही है जो इनकी गाड़ी का टायर ठीक कर देगा। ये सुनकर उनमें से एक आदमी आंटी से उसका फोन मांगता है और कहता है कि उसे भी मैकेनिक से बात करनी है, लेकिन आंटी उसे फोन देने से मना कर देती है और कहती है कि वो मैकेनिक बहुत जिद्दी है जो सिर्फ उसी की बात मानता है। इधर मैग्नोलिया घर आकर उन मरे हुए लोगों का नाम चेक करने लगती है, जिसमें उसे बॉब का नाम भी दिखाई देता है। ये देखकर मैग्नोलिया समझ जाती है कि उन्होंने बॉब को भी मार दिया है। फिर वो आंटी के पास जाकर उनसे बताती है कि बॉब को ढूंढने एक डिटेक्टिव आया है, जिसे अगर इस बात के बारे में पता चल गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। इस पर आंटी उसे समझाती है कि तुम अपने काम पर फोकस करो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। दूसरी तरफ गैस स्टेशन पर लैरी फ्यूल भरवा रहा होता है कि तभी उसके पास ऑफिसर कोल आ जाता है, जो लैरी की डिग्गी में बहुत सारे सामान को रखा हुआ देखता है। कोल उससे कहता है कि तुम्हें ये सब सामान अच्छे से रखना चाहिए। तभी कोल की नजर डिग्गी में रखे ब्लैक पॉलीथीन पर जाती है। फिर वो जैसे उस पॉलीथीन को हटाता है तो उसमें किसी इंसान के कटे हुए हाथ और पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर कोल लैरी पर गुस्सा होकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। इधर वो डिटेक्टिव एक ओल्ड आदमी के पास जाता है और उससे बॉब के बारे में पूछने लगता है। फिर वो आदमी डिटेक्टिव को बताता है कि बॉब को आंटी की बेटी फोन अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गई थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उस आदमी से आंटी के घर का एड्रेस मांगता है, जिससे वो आदमी डिटेक्टिव को आंटी के घर का एड्रेस बता देता है। उधर रात में आंटी सभी के लिए डिनर तैयार करती है, जहां वो चारों फ्रेंड्स भी मौजूद होते हैं। तभी आंटी मैग्नोलिया से अपनी छोटी बेटी बेबी को लाने के लिए कहती है। इसके बाद हम बेबी को देखते हैं, जिसका माइंड बच्चों की तरह होता है पर वो दिखने में बड़ी होती है। फिर जब मैग्नोलिया बेबी को वहाँ लेकर आती है तो ये सब उसे भी डिनर करवाती है। इधर ऑफिसर कोल लैरी से उस मर्डर के बारे में पूछने लगता है। इस पर लैरी कोल को बहाना बताता है कि उसने गुस्से में आकर उस इंसान को मार दिया था। दरअसल लैरी अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये आरोप खुद के ऊपर ले रहा होता है। अब डिनर के बाद मैग्नोलिया बेबी को उसके रूम में ले जाती है। इसी बीच बेबी को बच्चे जैसा हंसता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी हंसने लगता है। ये देखकर पैत्रा उससे रूठकर अंदर जाने लगती है। फिर वो आदमी पैत्रा को मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वहीं मैग्नोलिया उनमें से एक फ्रेंड को बेबी का रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जहां उसे कुछ जंजीर दिखाई देती है, जिसमें मैग्नोलिया उसे बांध देती है और कहती है कि कुछ ही देर में तुम काफी एंजॉय करोगे। तभी बेबी उसके पास आकर उसे सूंघने लगती है, जिससे उसे लगता है कि बेबी उसके साथ इंटीमेट होने की सोच रही है, पर तभी बेबी उसका गला काट कर उसे मार डालती है। उधर दूसरा फ्रेंड जब पैत्रा को मनाने के लिए अंदर जाता है तो पैत्रा उसकी बात मान जाती है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है। वहीं फोन उनमें से तीसरे फ्रेंड को अपने रूम में ले जाती है और उसका सिर धड़ से अलग करके उसे बुरी तरह मार डालती है। इधर जो फ्रेंड पैत्रा के साथ गया था, जब वो बेसमेंट के अंदर का डोर ओपन करता है तो उसे किसी आदमी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी पैत्रा उसके मुंह में एक हुक घुसाकर उसे लटका देती है, जिससे वो भी बुरी तरह मारा जाता है। अब कोरल भी अपने साथ उस चौथे फ्रेंड को ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि कोरल के रूम में बहुत सारी नकली सांप हैं। ये सब देखकर वो फ्रेंड कोरल से पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर कोरल उसके सामने डांस करने लगती है, जिससे वो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी कोरल उन नकली सांप के दांत उस आदमी के सीने में घुसा देती है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब इन चारों लोगों को मारने के बाद आंटी और उसकी फैमिली सभी लोगों के मीट को इकट्ठा करने लगती है। इसी बीच इनकी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर मैग्नोलिया डोर ओपन करने के लिए जाती है। तभी उससे बाहर डिटेक्टिव दिखाई देता है, जो इनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। फिर मैग्नोलिया डिटेक्टिव को ड्रिंक पिलाती है। तभी डिटेक्टिव उससे फोन के बारे में पूछता है। इस पर मैग्नोलिया उससे कहती है कि फोन पूल में स्नान कर रही है, तो तुम वहां जाकर उससे मिल सकते हो। ये सुनकर डिटेक्टिव पूल के पास जाता है तो फोन उसे पूल के अंदर खींच लेती है। तभी मैग्नोलिया और उसकी सभी बहनें उस डिटेक्टिव के साथ किस करने लगती हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगने लगता है। फिर वो सभी लड़कियां उस डिटेक्टिव को उसी पूल में मार डालती हैं। इधर आंटी एक रिचुअल करती है, जिसमें वो डिटेक्टिव के कटे हुए सिर का बलि चढ़ाती है। अब अगले दिन ऑफिसर कोल लैरी को आंटी के घर ले आता है
और उन्हें बताता है कि लैरी ने एक बेकसूर आदमी की हत्या की है। ये सुनकर आंटी कोल के सामने रोने का नाटक करने लगती है और लैरी से पूछती है कि तुमने किसी का मर्डर क्यों किया। इस पर लैरी उसे बताता है कि उसे वो आदमी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने गलती से उसे मार दिया। तभी फोन कोल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम लैरी को छोड़ दो क्योंकि अब वो किसी को नहीं मारेगा। ये सुनकर कोल फोन को बताता है कि एक मर्डर केस है, इसलिए वो लैरी को नहीं छोड़ सकता। अब फोन को अफसर के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो अफसर को कॉफी पीने के लिए पूछती है, जिस पर कोल कॉफी पीने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जब फोन कॉफी बना रही होती है तो वो अफसर से हेल्प मांगती है। इसके बाद अफसर उसकी हेल्प करने लगता है। तभी आंटी ब्लेड का बटन प्रेस करती है जिससे उस अफसर का भी हाथ कट जाता है और फिर आंटी और उसकी फैमिली उसे भी मार देती है।